गुड वेरी मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 8:30। आज हमारा है डे टू ऑफ आवर इंदौर ब्लॉग। आज चेंज ऑफ प्लान, अभी हम पहले सोचा था कि हम सुबह निकलेंगे पहले महाकालेश्वर और उसके बाद जाएंगे मांडू, बट हमें थोड़ा सा लेट हो गया है। हम कल रात को लेट भी आए थे वहाँ से खाऊगली से, तो नाउ वी आर गोइंग टू मांडू फर्स्ट। महाकालेश्वर रात को 10 बजे खुलता है, वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन द इवनिंग। मांडू हम सुबह इसलिए कर रहे हैं ताकि दोपहर की गर्मी से बच जाए, क्योंकि वहाँ फोर्ट घूमना है, फोर्ट में शेड्स होंगे नहीं। अभी हम करेंगे नाश्ता कहीं पर और उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे टू मांडू। मांडू इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम, एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस होटल जहाँ हम रुके हैं, और गूगल माता में बोल दी कि 2.5 घंटा लगेगा गोइंग टू द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। सो चलो शुरू करते हैं। नाश्ते के लिए भी वो थिंकिंग कि कहाँ जाएं, तो फिर मुझे याद आया कि मैं उदित को फोन करता हूँ। उदित इंदौर में काफी टाइम रह चुका है, तो उसको यहाँ के बारे में काफी पता है, तो वी कॉल्ड हिम एंड ही टोल्ड अस कि गो टू 56 बाजार खुल गया होगा। चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सुबह सुबह अन्न देवता के दर्शन देते हैं आपको। सो एनी हाउ हमें 56 बाजार कवर करना था, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं वहीं पर ही। बाजार में 56 भोग खाके और 10:15 बजे वो खा के अब हम निकल रहे हैं मांडू की तरफ। यार ये जगह तो बड़ी मस्त है खाने वालों के लिए, खासकर अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो भैया पैराडाइज है इंदौर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कम से कम यहाँ से 2 घंटा कम से कम यहाँ से लगेगा मांडू पहुंचने में। अब देखते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है थैंक गॉड, बादल है, विंडी भी है, धूप नहीं है सीधे जगह, तो उससे काफी रिलीफ है। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है बट ठीक है, मतलब इट इज बेयरेबल। प्रेम का साक्षी फाइनली एक स्वागत बोर्ड। शनिवार है, थोड़ा जाम भी है, पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, 5 मिनट दिखा रहा है, बट ये मेन एंट्री गेट पे शायद आप पर्ची वर्ची कटती होगी शायद इसलिए इतना जाम लगा हुआ है, बाकी तो देखते हैं पता चलेगा। कैश वैश तैयार रखो भाई। यहाँ रोड वॉज नाइस, व्यू वॉज नाइस, एक्चुअली बादल है, बारिश भी नहीं हो रही है और गर्मी भी नहीं हो रही, तो चलाने मजा आ रहा है। बरसात का मौसम है तो सारा हरियाली सब पूरे अपने पीक पर है, तो काफी अच्छा रोड था। और डिस्पाइट बीइंग अ लॉन्ग वीकेंड, यहाँ तक हम लोगों को खास ट्रैफिक नहीं मिला था, यहाँ पर आके यहाँ पे कुछ खासा ट्रैफिक मिला है। देखता हुआ था, तो यहाँ पर एक्चुअली तुम मांडू के अंदर रुक सकते हो, देयर इज अ रिजॉर्ट देयर 100 किलोमीटर ही है, तो अगर आप अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करके चल रहे हो इंदौर से तो आपको बीच में कहीं कुछ करने जरूरत नहीं है, रोड सीधा सीधा ही है।
जहाज महल की पार्किंग यहाँ से 1 किलोमीटर पहले है, तो आपको अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करनी होगी और 1 किलोमीटर आपको वॉक करके आना पड़ेगा। यहाँ आकर हमने एक ASI अप्रूव्ड गाइड किया है जो हमें यहाँ के इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के बारे में बताएंगे। जहाज महल को 2 अलग-अलग एराज में बनाया गया है। जो जहाज महल का मेन फाउंडेशन है ये परमार डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, और बाद में जब इसे खिलजी ने कैप्चर कर लिया था उसके बाद इसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ऊपर का जो पार्ट है ये मोस्टली आप देख सकते हैं मुगल आर्किटेक्चर का बना हुआ है, पर जो इस मेन बिल्डिंग का या पैलेस का बेस है वो परमार डायनेस्टी के द्वारा बनाया हुआ है। जहाज महल में एंटर होते ही आपको राइट साइड पे ये तवेली महल दिखेगा। यहाँ पहले घोड़े और हाथियों को बांधा जाता था, अब इस ऊपर वाले पार्ट को गेस्ट हाउस की तरह यूज़ किया जाता है और नीचे वाला जो पार्ट है ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे इस जगह की खुदाई के दौरान जो भी चीज़ें ASI को मिली है वो यहाँ पर प्रिजर्व करके रखी हुई है। जहाज़ महल एक यूनिक मॉन्यूमेंट है इसकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के लिए और यहाँ पे यूज़ किए हुए चैनलाइजेशन के लिए। इस पैलेस के सामने और पीछे दोनों ही तरफ लेक्स बनाई हुई है, और ये लेक्स जो हैं ये मैनमेड लेक्स हैं जो चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे नेचुरल कोई भी पानी का सोर्स या रिवर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो भी महल में आप पानी देख रहे हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और चैनलिंग के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। पैलेस के ऊपर वाले पार्ट में भी वॉल से लग के पानी के चैनल्स पास होते हैं जो कि पूरे बाउंड्री वॉल पे लगे हुए हैं, और ऐसे कहा जाता है कि पहले रहट या पर्शियन व्हील के थ्रू इन चैनल्स पे पानी भरा जाता था, और ये चैनल में पानी भरने के बाद यहाँ ऊपर 2 टैंक्स हैं जिस पे ये पानी फिल होता था, और उसके बाद इसे यहाँ बने हुए पूल्स पे सप्लाई किया जाता था। ऊपर वाली छत पे आपको हर जगह ये पानी के चैनल नज़र आएंगे और ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं यहाँ पे जो पानी के पूल्स बने हुए थे उससे, या स्टेप वेल से आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो ये घुमावदार स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पे रेत, एक पे कोयला और एक पे चूना भरा जाता था ताकि पानी फिल्टर हो सके, और इसे फिर नीचे सप्लाई किया जाता था। इन पूल्स में ड्रेनेज के लिए भी अलग से चैनल बनाए हुए हैं जो पैलेस के नीचे एक टैंक में खराब या यूज़ किए हुए वाटर को कलेक्ट करने के लिए काम आता था। यहाँ पे मेनली ऐसे 2 से 3 स्टेप वेल आपको देखने मिल जाएंगे, एक ऊपर है और एक नीचे है। इस महल के सामने और पीछे दोनों ही तरफ बड़े बड़े आर्टिफिशियल लेक बनाए हुए हैं जो बारिश के सीज़न में पानी से भर जाता है। तो अगर आप इस लेक को दूर से देखते हैं या सामने के जंगल से देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये महल पानी के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम जो है जहाज़ महल रखा गया है। मांडू में जब हिंदू राजा राज करते थे तो वो इस पैलेस को अपने गेस्ट्स को होस्ट करने के लिए यूज़ किया करते थे, पर बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कैप्चर किया तो उसने इसे हरम बना दिया, और यहाँ पे वो अपनी रानियों और दासियों को रखते थे। कहा जाता है कि यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा औरतों को रखा हुआ था और यहाँ पर काफ़ी सख्त पहरा हुआ करता था। मांडू के इस महल को ASI ने रिसेंटली ही अपने अंडर लिया है, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पैलेस का रिकंस्ट्रक्टेड वाला पोर्शन है वो उसी तरह का है, बट बहुत सारा पोर्शन जो है डैमेज हो चुका है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के नक्काशियाँ आपको देखने मिलेंगी जो हिंदू आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर दोनों से ही इन्फ्लुएंस्ड है। जहाज़ महल को लास्ट मुग़लों के शासनकाल में ही यूज़ किया गया था, इसीलिए ASI के हिसाब से इस महल को मुग़लों का ही कहा जाता है। पर अगर आप इस महल में डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें हिंदू कलाकृतियाँ भी नज़र आएंगी जो कि अब बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ के पैलेस में अलग अलग ये स्टोन के कलर का डिफ्रेंशिएशन दिखाई देगा, इससे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ का मेजर पार्ट जो है वो पहले का बना हुआ है और काफ़ी सारा पार्ट बाद में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये हिंडोला महल का मेन कॉरिडोर है जिसे मेन दरबार भी कहा जाता था। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पानी के फव्वारे दिखाई देंगे
और यहाँ पे भी वाटर चैनलिंग बहुत अच्छे से की गई है। इस कॉरिडोर में एक मस्जिद भी है और अगर आप इस जगह को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया के मंदिरों से इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पर अभी भी आपको कई सारे खंभे दिखाई देंगे जहाँ पे घंटियाँ, बेलबूटे, लोटस और अलग अलग हिंदू आकृतियाँ बनी हुई है। जब आप यहाँ के म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ की खुदाई से बहुत सारे हिंदू मूर्तियों को निकाला गया था, जिसमें कृष्ण की मूर्ति, शिव की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति पाई गई है। वैसे तो आप देखेंगे तो ये खंभे अभी प्लेन दिखाई देते हैं क्योंकि मुगलों ने इन नक्काशियों को पूरी तरह से निकाल के डिस्ट्रॉय कर दिया था या फिर इसके नए कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर लिया था। यहाँ पे मुगलों के यूनिक कंस्ट्रक्शंस में आपको यहाँ पे दो सोना बाथरूम्स दिखाई देंगे जिसे हम पर्शियन बाथरूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे नीचे आग जलाने की व्यवस्था की गई है और ऊपर यहाँ पे एक पानी का टैंक है। इसके ऊपर पाइप्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू पानी जो है अलग अलग वेल्स में सप्लाई होता है। यहाँ पर अलग अलग होल्स बने हुए हैं और पार्टीशन किए हुए हैं जिससे पानी को ठंडे और गर्म पानी के वेल में यूज़ किया जा सके। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे भी इसके होल्स बहुत सारे बने हुए हैं जिससे गर्म पानी की भाप जो है इस जगह को फिल करती है। इस जगह को रानियों के हमाम के लिए बनाया गया था और यहाँ पे पहले कांच और अलग अलग नक्काशियाँ लगी हुई थी जो अब टाइम के साथ ख़राब हो चुकी हैं। ये यहाँ के शाही महल के नीचे का गुप्त दरवाज़ा है। ये जो रास्ता है अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ से अलग अलग एग्ज़िट पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि अगर कोई भी अटैक की सिचुएशन या डेंजर की सिचुएशन हो तो यहाँ से इजीली निकला जा सके। यहाँ पे वाटर एग्जिट्स भी बनाए हुए हैं। शाही महल के सामने ये कुआं है और इसे चंपा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा सा कुआं है। ऐसा कहा जाता था कि इसे रानियों की सेफ्टी के हिसाब से बनाया हुआ है। इस कुएं को अगर आप देखेंगे तो इस पे नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई थी और अगर कोई अटैक की या डेंजर की सिचुएशन होती है तो वो इस बावड़ी में कूद जाया करते थे और स्टेप्स के थ्रू डायरेक्टली ही जो गुप्त मार्ग है वहाँ से निकल सकते हैं। इस कुएं में भी काफ़ी सारे वाटर चैनल्स हैं जिससे ये कुआं भरा हुआ दिखाई देता था, पर अब यहाँ पे पानी का लेवल कम है इसीलिए यहाँ पे जो सीढ़ियाँ और एग्जिट्स हैं वो विजिबल हैं। जहाज़ महल में इन सारी चीज़ों के अलावा एक पुराना मुगलों के शासनकाल का ऑडिटोरियम है जिसमें स्टेज बना हुआ है और उसमें इको पॉइंट्स भी बने हुए हैं। इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था और उसके साथ ही यहाँ पे एक शीश महल भी हुआ करता था जो शाही महल के पीछे है, पर वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर आप मांडू आएँ तो जहाज़ महल को ज़रूर विज़िट करिए। तो हमारा जहाज महल हो गया है पूरा, ठीक है ना। आपने देख लिया पूरा व्यू, मस्त मज़ा आया होगा। यहाँ पर आओ और प्लीज़ गाइड करो, ठीक है ना। अच्छे समझ में आएगा आपको कि एक्चुअली इस जगह की इंपॉर्टेंस कितनी है, बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी पीपल जस्ट सेइंग अरे यहाँ तो पत्थर है, अरे यहाँ तो ये है, यहाँ तो कुछ नहीं है। और अंदर इसके म्यूजियम भी है विच एक्चुअली हैज़ लॉट ऑफ स्टोन्स और स्क्रिप्चर्स विच दे फाउंड वाइल डिगिंग अराउंड दिस जहाज पैलेस। बट अभी हम यहाँ नींबू पानी पी रहे हैं और निकल रहे हैं यहाँ से रानी का रूपमती का महल, ठीक है। यहाँ से आधा घंटा लगना चाहिए, 2:51 और नींबू पानी हम पियेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से।
ओके, हम लोग आए हैं रानी रूपमती के महल पे अभी, और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। पार्किंग तो मिल गई, बट पार्किंग तक आने का मैं बैंड बज गई, और अभी हमें वो उधर जाना है, और आपको भी दिखाते हैं आपके मज़े घर बैठे हुए हो पायल, और हमारी हाइकिंग हो रही है। तो बने रहो हमारे साथ में, और देखो हमारे साथ में एक्सप्लोर करो रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती का महल बेसिकली एक वॉच टावर है जो परमार डायनेस्टी में सैनिकों को तैनात करने के लिए बनाया गया था डिफेंस के लिए, पर बाद में इसे बाज बहादुर ने रिकंस्ट्रक्ट करके रानी रूपमती के लिए ये पवेलियन बनाया है। रानी रूपमती पवेलियन के काफ़ी सारे फोकलोर्स यहाँ पे पॉपुलर है, पर इनमें से जो सबसे फेमस है वो है बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा बाज बहादुर शिकार के लिए धर्मपुरी गए थे, और उन्होंने वहाँ पे रानी रूपमती को गाते हुए सुना। वो उनके गायन से और उनकी सुंदरता से काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। रानी रूपमती जो है वो धर्मपुरी में रहती थी, जहाँ पे नर्मदा का घाट है, और रानी रूपमती अपना दिन हमेशा नर्मदा के दर्शन करके ही शुरू करती थी। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा बाज बहादुर से कि वो उनसे तभी विवाह करेंगी अगर उन्हें रोज़ नर्मदा के दर्शन होंगे। तो ये पवेली नर्मदा से 24 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से नर्मदा दिखाई देती है। वैसे तो कैमरा में क्लियर नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पानी की लकीर दूर में पतली सी दिखाई ज़रूर देती है। इसके अलावा बाज बहादुर पैलेस के सामने एक रेवा कुंड बनाया था, जिसके पानी का सोर्स नर्मदा बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी रूपमती को यहाँ से नर्मदा नहीं दिखाई देती थी तो वो रेवा कुंड के दर्शन करके अपना दिन शुरू करती थी। रूपमती पवेलियन और रेवा कुंड के बनने के बाद रानी रूपमती यहाँ बाज बहादुर के साथ बाज बहादुर पैलेस में रहने लगी, और वो यहाँ पे रोज़ सुबह आके नर्मदा के दर्शन करती थी। पर बाद में अकबर के काल में आदम खान ने यहाँ पर हमला किया था, और उन्होंने बाज बहादुर को हरा दिया था। बाज बहादुर एलाइज और हेल्प के लिए अपने दूसरे संधि राजाओं के पास गए थे, और उसी समय आदम खान ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि आदम खान चाहते थे कि रानी रूपमती उनके साथ आए, रानी रूपमती को यह मंजूर नहीं था, और उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। तो बात ऐसी है कि रानी रूपमती का महल हमने दिखा दिया आपको, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जब नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से और दिख गया मुझे गन्ने का जूस। तो प्रॉब्लम क्या है, महाराष्ट्र में भी गन्ने का जूस मिलता है, ये मैंने पहले वाले वीलॉग में ही बोला है। तो यहाँ वहाँ पे ना अपना मीठे गन्ने का जूस होता है, और उसमें नींबू बहुत ही कम डालते हैं, अदरक डालते हैं, और काला नमक नहीं होता, तो उससे क्या काला नमक पुदीना नहीं होता है, तो गन्ने का जो जूस की आदत जो मुझे है वो टेस्ट नहीं मिल पाया, और फाइनली मुझे वो यहाँ मिला। तो खुशी खुशी में मैंने तीन ग्लास पिया, सोनाली ने और पायल ने मिलके दो दो ग्लास पिया, और मैंने तीन ग्लास पिया। वैसे ही जैसे मैंने जब जहाज महल से निकले थे हम लोग बाहर, तो प्यास लग रही थी, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग कोल्ड ड्रिंक एंड एनीथिंग वी थॉट ऑफ हैविंग ये नींबू पानी, और नींबू पानी जो है हमें अच्छा बंदा मिल गया नींबू पानी बनाने वाला। तो पहले हमने पिया, उतना मज़ा नहीं आया, फिर दूसरी जगह पर गए उसका अच्छा था, तो वहाँ मैंने नींबू पानी चार ग्लास पिया था। हाँ, बाय द वे ये जामी मस्जिद है, ये हमने स्किप कर दिया है, उसके पीछे रीज़न ये है कि एक जब हम जहाज महल करके निकल रहे थे तो बारिश हो गई बहुत तेज़, तो हमने सोचा कि हम इसको आते वक्त देख लेंगे, बट अभी हो गया है काफ़ी टाइम, 4:30 बज रहा है, और हमें जाना है अभी उज्जैन महाकाल जो दिखा रहा है 3:15 घंटे। तो वी आर थिंकिंग ऑफ स्किपिंग इट। अगर आपके पास समय है तो आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं। होशंगशाह मांडू के सबसे पहले सुल्तान थे, और ये उनका मकबरा है जो 14th सेंचुरी में बनाया हुआ है, और ये इंडिया का सबसे पहला मार्बल का मकबरा है। इससे ही लग के जामी मस्जिद है जो कि 14th सेंचुरी में कंस्ट्रक्टेड की हुई है, और ये यहाँ की फेवरेट गायों का टाइम पास है। रोड पे खड़े होना। अच्छा, पता है मैं कल पायल को बोल रहा था, और मुझे बताइए आप लोग भी, आप लोगों का क्या सोचना है कि गाय को सड़क के बीच में बैठने का मजा क्या आता होगा? मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोलतार को एक्स्ट्रा ठंडा कर रहा है गर्मियों में, या गर्मी कर रहा है ठंडों में, वो है नहीं।
ना कुछ खाने को मिलता है ना कुछ मिलता है, वो पीछे बैठे होते हैं। और तुम हमेशा देखना कि अभी गाय बैठी होगी ना तो वो तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठी होगी, ठीक है? तो अभी समझ में आया तुम्हें, तो बताओ मुझे कि तुम लोग क्या सोचते हो गाय बीच में क्यों बैठती है। कमिंग बैक टू आवर ट्रिप, ठीक है? तो अभी यहाँ से जो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल, रात को 11 बजे तक तो खुले रहते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि चलो ठीक है अभी टाइम है, 3 घंटे दिखा रहा है यहाँ से, सो 5:30 से 8:30 मतलब 8:30 मान लीजिए, और फिर उसके बाद 2-2.5 घंटे जाना जाना अंदर, ठीक है? तो उज्जैन से वापस इंदौर आते आते रात तो हो ही जाएगी, रात क्या मतलब देर रात हो जाएगी, और हम जो खाना पीना करेंगे वो वहीं करेंगे, देखते हैं कहाँ पे क्या करते हैं। हमारा 56 दुकान वाला तो हो गया थैंकफुली, तो इसलिए अभी तक जो प्लान हम बना के आए थे कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे वो हो गया है, हम जिस सीक्वेंस में जाना था वो नहीं हुआ है, बट वॉट इम्पॉर्टेंट इज कि सारे हो रहा है। हमने लंच में कुछ नहीं खाया है क्योंकि हमने जो 56 बाजार में 56 भोग खा लिए थे तो वो पेट में था ही, तो और हमने क्या करा कि हमने काबुली चने पार्सल कराए जहाज महल के बाहर से, हमने कच्चे केले के चिप्स जो हाथों हाथ मतलब बन रहे थे वहाँ पर तो वो पार्सल कराए हैं, और हमने पैक पार्सल कराए 2 खीरे कटे हुए जिसमें नमक वमक डाल के काला मिर्च ये सब करके, ये रहेगा हमारा आज का स्नैक्स जो हम 5:30 मतलब कहीं रास्ते में कहीं रुक गए तो नहीं था, फिर गाड़ी में चलते दिखाएंगे। और मेरे 2 अति महामूल्य ये बचे हुए हैं हॉट डॉग, तो वो हमारा हो जाएगा। तो वी आर नॉट प्लानिंग टू हैव एनी लंच, एक्चुअली काफ़ी जगह हैं जहाँ पर आप लंच कर सकते हो, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लंच कीजिए, नहीं तो हमारी तरह मंच कीजिए गाड़ी में बैठे बैठे और चलते। मांडू एक्सप्लोर करना है आपको और आपको सब जगह देखनी है तो आपको पूरा एक दिन चाहिए, सब पास पास ही है, बट यू हैव टू पार्क योर कार, यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू हाइक अ बिट, एंड देन यू हैव टू सी द प्लेस, यू हैव टू सोक इन टू द हिस्ट्री, यू हैव टू टॉक टू समवन टू गेट द गाइड, टू गेट द इन्फॉर्मेशन, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो एक दिन तो पूरा आराम से लीजिए ताकि कोई हबड़ तबड़ ना हो और आराम आराम से सब कुछ हो जाए। उज्जैन पहुंच गए और पार्किंग यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर पे है, तो महाकालेश्वर मंदिर के पास में पार्किंग देखते हैं, वहां पहुंचते हैं और फटाफट दर्शन करके, क्योंकि अंदर कैमराज और मोबाइल फोन अलाउ नहीं है तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, हम सॉरी यू हैव टू कम हियर। सो टाइम हो रहा है 10:30 और हमें महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी थी 8:30-9:30 करीब, और आधा घंटा लगा था हम लोगों को पहुंचने में अंदर, बहुत बड़ा परिसर है तो काफ़ी चलना पड़ता है, और 15-20 मिनट हमारा दर्शन हो गए और हम आगे बाहर। वन टिप विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज कि अगर यहाँ आना है 11 बजे मंदिर परिसर मंदिर बंद होता है, ठीक है, उससे पहले आप यहाँ 9 बजे भी आ जाओ ना तो आपके दर्शन बहुत आराम से हो जाएंगे। और अगर दिख रही है आपको थोड़ी सी भीड़ तो यहाँ पे VIP वाला पास भी है, 250 रुपये का एक टिकट है, वो आपको फटाफट से और 15 मिनट में कर देगा दर्शन, हो जाएंगे दर्शन। बट रात में कीजिए तो उससे क्या है थोड़े से 1 मिनट ना रुकने को मिलता है मंदिर में भगवान के सामने। मैंने पूछा कि सुबह को कैसे भीड़ रहता है, तो उन्होंने बोला कि सुबह तो पूरा पैक रहता है और आज तो बहुत ही पैक था क्योंकि संडे था, छुट्टी थी, और कल भी पैक रहेगा कि कल तो महाकाल की सवारी निकलती है, कल सोमवार है, तो मतलब फीलिंग हम्बल्ड की इतने अच्छे से दर्शन हुए। वी वर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि हमें इतना अच्छा दर्शन हो जाएंगे, जो ना वो होता है जो हर फेमस तीर्थ पे कि चलो 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 आगे बढ़ो वाला सीन, वो नहीं हुआ। काफ़ी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पड़े हैं एक्चुअली होटल्स, बट वी थॉट कि थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, हाईवे पे कहीं खाएंगे अच्छी जगह पर, सिटी से बाहर निकले थोड़ा सा रास्ता भी कवर कर ले। 1 घंटा दिखा रहा है, 1.30 किलोमीटर पहले हमें लेफ्ट में ढाबा मिला, ढाबा क्या कहेंगे उसको, रेस्टोरेंट ही कहेंगे, तो उसका नाम था फूड बिरा, तो खाना वॉज एवरेज गुड। वन थिंग विच आई हैव नोटिस इज that the food is cheaper in comparison to if we had the same food in Pune it would have costed us
मिनिमम अराउंड 1500 to 2000 रुपीस इट हैज कॉस्टेड अस. सो आई एम टेलिंग विद द एक्सपीरियंस ऑफ द होटल एंड लाइक रेस्टोरेंट एंड द एम्बियंस एंड एवरीथिंग. तो 1500 से 2000 तक जाता. यहाँ पे वो 890 रुपए का 860 रुपए का इनफैक्ट बना है. सो इस व्लॉग को हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं. आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. जिस अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को. उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है. एक एक सब्सक्राइबर जब ऐड होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है. हमें लगता है कि आप लोगों को हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगने लगा है. आपके कोई भी फीडबैक है, कोई भी थॉट है, कोई भी ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि हमें कवर कर लेनी चाहिए थी इसी ट्रिप में और हमने नहीं करी, आप प्लीज़ डालिए. आपको मैं बता कर हम लोग दोबारा आएंगे क्योंकि हमें ओमकारेश्वर भी करना है और हमें इंदौर थोड़ा सा और ढंग से घूमना है और खाने पीने की जगह एक्सप्लोर करनी है. सो एक ट्रिप तो हमारा वापस बनेगा यहाँ पर. सो ताकि आप जो भी जगह हमसे अगर गलती छूट रही है, आप इंदौर के रहने वाले हैं या इंदौर आपने हमसे अच्छी जगह अच्छी तरीके से घूमा हुआ है, तो प्लीज़ हमें अपने आइडियाज़ दीजिए सो दैट हम नेक्स्ट टाइम जब भी इंदौर आए तो उसको अपने आइटनरी में ऐड कर सकें. ठीक है, तब तक के लिए कीप मंचिंग, कीप ट्रैवलिंग, गुड नाइट.